नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शान और आप देख रहे हैं SR न्यूज गुजरात। देखो पहले चारधोड़ा कब्रस्तान अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी का कब्रस्तान है, वो तकरीबन 110,000 स्क्वायर यार्ड का कब्रस्तान है। यानी कब्रस्तान के स्केल में मैं कितनी बार लोगों को समझाता हूँ कि वो लोग को खबर नहीं होती 110,000 स्क्वायर यार्ड की जगह की कितनी है। वहाँ जगह जाएंगे तो लोगों को पता चलेगा कितना बड़ा स्केल है। हम लोग 200 या 500 के प्लॉट में मकान बना के बंगला बनाते हैं, बंगला कहूँगा, मकान नहीं कहूँगा, मकान तो 25-50 में बन जाता है। 500 में बंगला बनता है, उसकी जगह 110,000 है, तो सोचे कितना बड़ा स्केल है। जुआपुरा का कब्रस्तान सिर्फ 15,000 की जगह में बना हुआ है, उससे करते कितना गुना कब्रस्तान है वो सोचे। अब वो बड़ा कब्रस्तान जिसने वक्फ किया उसकी नीयत को भी सोचे। आज से 100 पहले किसी ने वक्फ किया, कौन सी नीयत से किया? अहमदाबाद के मुसलमानों को आने वाले दौर में कब्रस्तान की जगह की तकलीफ ना पड़े, वो नीयत से वक्फ किया। और आज वो नीयत के हिसाब से लोग रहने के लिए थोड़ी जगह दी जाती है। और शरीयत में बहुत क्लियर कट एजेंडा किया, ये भाई साहब ने और कर बताया कि किसी को मतलब मैं अपने कब्रस्तान को रहने के लिए जायज है ही नहीं। तो वो सब चीज़ों के नज़र पे गौर करते हुए काम करना है। और अनफॉर्चुनेटली जो भी हो चुका है, अभी मैंने थोड़े वक्त पे बोला कि पास्ट को अपने पोस्टमार्टम ना करें, अनफॉर्चुनेटली कोई चीज़ हो चुकी है। उस वक्त पे ऑफिशियल तकरीबन 103 या 114 लोग थे, उनको उस टाइम पे रहने की जगह दी थी, आज मोर देन 600 से ज़्यादा फैमिली रह रही है। 114 में से भी कितने लोगों को ऑलरेडी वटवा में जगह दे दी थी उस ज़माने में, लोगों को मतलब मैं 45-50 लोगों को शिफ्ट किया था, उनको जगह दी थी, वो जगह चले जाना चाहिए, उसमें से भी कितने लोग वापस आ गए। जो लोग अभी मतलब में रह रहे थे उनको 10 फुट बाय 10 फुट की जगह दी थी, वो आज मतलब में कम से कम 100-500 फुट की जगह को कब्जा करके बैठे हुए। वो नीयतें सबकी गलत है, और वो नीयत गलत करने की वजह से कब्रस्तान के अंदर जो लोगों को अच्छे नीयत से रखा था वो एहतराम से रहे होते, कब्रस्तान की बेहुरमती नहीं कही होती। यानी कितनी बार मेरे को बोलने में भी शर्म आती, कितनी बार होता है वहाँ पे जाओ तो क्या होता है कि कितने लोग कब्रस्तान उनके टॉयलेट के मतलब में पानी की नाली बना के कब्र के अंदर खाड़गुआ बना के रखते, खाड़गुआ का भी खर्चा नहीं करते, नाली में पानी छोड़ देते। वहाँ पे जाओ तो उनके बच्चे टॉयलेट करने में बैठे होते ओपन में, वहाँ पे जाओ तो यूज़ कॉन्डम पड़े होते हैं, सैनिटरी नैपकिन पड़े होते हैं। क्या है कब्रस्तान है? आप देख के आपके लोगों का भी खून खौल उठेगा कि ऐसा कब्रस्तान ऐसा होना चाहिए। तो ये सोचने वाली बात है कि क्या हम लोग चाहते हैं जिसने डोनेट किया है वो उसने ये नियत से कब्रस्तान डोनेट किया था कि हम उसके मतलब एहतराम ना रखें? बात इतनी बिगड़ चुकी है, उसकी वजह से अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी के हार्ड स्टेप लेना पड़े। काफ़ी लोग हमारे को कहते हैं कि दूसरे सब कब्रस्तान में व्हीकल बंद नहीं है, दूसरे सब कब्रस्तान में कम से कम कब्रस्तान तो है, लोग उसका गलत इस्तेमाल नहीं करते, आप उसके साथ कैसे कंपेयर कर सकते हो? आप यहाँ की गलती को मतलब उसके दूसरे कब्रस्तान के साथ में कैसे अपना समझ करते हैं? कब्रस्तान की बेरहमती इतनी सब हो रही है, चारधोड़ा कब्रस्तान को बहुत बुरी हालत में लोगों ने कर दिया हुआ है। इसी वजह से कितने लोगों ने ये चीज़ को मुहिम करी, उनने सफाई चलाया। जब उनने सफाई चलाई तो जब उनको पता चला कि कचरे में क्या क्या निकला, और ये कचरे में ये सब निकल के देख के उनका दिल खोल उठा, और उसके बाद वो हमारे पास आए, हमारे से डिस्कशन करा, हमने बहुत क्लियर कट एजेंडा बताया कि भाई लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करे हुए, हमने ऑफिशियल उनको लेटर दिया, और ऑफिशियल लेटर देने में हर गाइडलाइन लिख के दी कि भाई इस तरह से आपके काम करना पड़ेगा, ये होगा, लॉ एंड ऑर्डर को आप हाथ में नहीं ले सकते। अनफॉर्चुनेटली मुसलमान है और सेम बात है इंसान है, इंसान जज्बाती होता है, इंसान जज्बाती होता है, जज्बात में गलतियाँ करता है, तो किसी ना किसी लोगों ने गलतियाँ करता है, उसमें वक्फ कमेटी उसको तस्लीम नहीं करता, उसको तकसीम मानता नहीं है, मगर गलत है वो गलत है। हम लोग इसलिए बोलते हैं कि मुसलमान हर वहाँ रहने वाला भी मुसलमान है और सफर भी मुसलमान है, तो हर मुसलमान को कॉन्फिडेंस में लेना चाहते हैं, और कॉन्फिडेंस में लेके हम लोग वक्फ कमेटी ये चारधोड़ा कब्रस्तान को, कब्रस्तान की जो मतलब मैं रिस्पेक्ट बेहुरमती होती है उसको बचाना चाहते हैं। ये हमारा से क्लियर कट एजेंडा है। रिजवान भाई ये बताइए, अब आप लोगों के पास में कानूनी विकल्प कौन कौन से मौजूद हैं? क्योंकि जब आप मैदान में जाते हैं तो आपके ऊपर ही FIR हो जाती है, तो कानून के रास्ते पर अगर जाते हैं तो क्या क्या विकल्प मौजूद हैं? कानूनी विकल्प में आप कहेंगे थोड़ा मान लो सर, कानूनी विकल्प में तो सबसे पहले हमें वक्फ बोर्ड में ही हमारे जाना पड़ेगा, क्योंकि वक्फ एक्ट लागू है, वक्फ का कब्रिस्तान है, तो वक्फ के लिए हमें वक्फ बोर्ड की जो कानून है, वक्फ एक्ट है 1995 का, उसके अंदर 2013 में अमेंडमेंट भी हुआ, उस जो भी पूरा एक्ट है उसके मुझे उसमें कलम 54 है, जिसके तहत हमें वक्फ बोर्ड में अर्जी करनी होती है कि ये जो गैरकायदे से दबाण है या तो गैरकायदे से जो एंक्रोचमेंट है उसको आप दूर करिएगा, और जब वक्फ बोर्ड उसको मान लेती है कि ये गैरकायदे से एंक्रोचमेंट है तो वक्फ बोर्ड खुद वक्फ ट्रिब्यूनल के अंदर दावा पेश करती है उनको खाली करवाने का, और वक्फ ट्रिब्यूनल में से ऑर्डर हो जाने के बाद कलेक्टर उसे खाली करवाता है। तो सर ये की प्रोसीजर है और उसी पर हम काम कर रहे हैं, और 250 जितनी हमने जो अर्जियाँ हैं वो हमने डाली हुई है वक्फ बोर्ड के सामने, जिसकी सुनवाई चल रही है, उसकी नोटिसें भी इसी हो गई है। और अभी अभी हमारे साहब ने कहा अब अभी ईद उल अजहा आने वाली है,
अब आप देखिए हर ईद उल अज़हा के अंदर अंदर जानवर बांधे जाते हैं, कब्रों पर जानवर बांधे जाते हैं। क्या ये सही है? ये सही तरीका है उन लोगों का कब्रों पर जानवर बांध के उनको बेचने का या गंदगी करने का कब्रिस्तान के अंदर? यह अब ईद उल अज़हा आ रही है, फिर ये कोशिश होगी? गलत हो रहा है। अब किसी ने पहले कुछ कर दिया या हो गया तो वो गलत चीज को दोहराया तो नहीं जा सकता। गलत चीज को कभी ना कभी रोका जा सकता है, तो वो रोकने की कोशिश हो रही है, मुहिम हो रही है। और दूसरा इसमें कुछ भी नहीं है, हम लोगों ने पहले से बरसों से कर रहे हैं। और कुछ बंदों ने जो चारतोड़ा कब्रिस्तान के आसपास रहने वाले थे, उन्होंने पहले PIL भी हाईकोर्ट में की हुई थी इन लोगों को खाली करवाने के लिए, और PIL के अंदर हाईकोर्ट ने कभी इनकी फेवर में जजमेंट नहीं दिया। एनक्रोचमेंट जितना भी है उनकी फेवर में, हाईकोर्ट ने यही कहा कि आप लोग लीगल प्रोसीजर करके उसको खाली करवा सकते हैं, और उसके अंदर आपको जो पुलिस के प्रोटेक्शन चाहिए तो पुलिस का प्रोटेक्शन भी आप मांग सकते हैं। तो उस वक्त जब हुआ था 2011 में, तो जो भी बंदे यहाँ थे उन लोगों ने पुलिस प्रोटेक्शन भी मांगा था, लेकिन किसी वजह से पुलिस प्रोटेक्शन उस वक्त मिल नहीं पाया, तो वो मामला वहीं पर ठहर गया। तो ये लीगल प्रोसीजर सारे चल रहे हैं और इंशाल्लाह ताला आगे भी इसे और आगे बढ़ाया जाएगा। लैंड ग्रैबिंग का मामला कैसा है कि सर, जब सिविल केस होती है ना तो कलेक्टर इसे लैंड ग्रैबिंग तरीके एंटरटेनमेंट नहीं करते, और अभी लैंड ग्रैबिंग का कायदा समझोगे, अभी हाईकोर्ट के अंदर लैंड ग्रैबिंग का कायदा को चैलेंज किया गया हुआ, तो इसके अंदर बहुत झड़पी यानी बहुत फास्ट डिसीजन भी नहीं आता। वैसे लैंड ग्रैबिंग के कायदे की बात अब आपने उठाई है, तो यहाँ साथ जितने भी कब्रिस्तान है उसने उसके लिए हम, वो भी हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में, हमने वहाँ एक वो पूरा कब्रिस्तान की एक बंदे ने पूरा कब्जे कर रखा था, उसको खाली करवाने के लिए लैंड ग्रैबिंग का हमने केस किया था, लेकिन उसमें कॉम्प्रोमाइज हो गया, इसलिए उसका कब्जा हमारे पास वापस आ गया, लेकिन उसमें डिसीजन नहीं हुआ कोई भी कलेक्टर से, वो कॉम्प्रोमाइज हुआ। जैसा सर के अभी लोकसभा चुनाव के अंदर अमित शाह ये कह रहे हैं कि वक्फ एक्ट को नाबूद कर दिया जाएगा अगर हमारी सरकार बनती है तो, जब वक्फ एक्ट ही नहीं रहेगा तो ये कब्रिस्तान का मामला फिर आने वाले समय में कहां तक जा सकता है? देखो एक बात सुनो, कोई भी एक्ट रहे ना रहे, लेकिन हिंदुस्तान का जो कानून है, CPC है, CRPC है, वो तो सारे मौजूद है, वो तो यहाँ से निकलने वाले नहीं है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो तो है ही, तो उसके तहत फिर काम भी होगा। वक्फ एक्ट निकल जाता, कोई एक एक्ट रिपील हो जाने से दूसरे एक्ट काम नहीं करते, ऐसा तो होता नहीं है, तो दूसरे सारे बहुत सारे प्रोविजन है, CPC है, CRPC है। मैं इतना बोलूंगा टेक्निकल टर्म्स में, मतलब मैं समझ उतार है, बेफिक्र लोग हो जाए, गवर्नमेंट कोई भी लॉ लाने की कोशिश करेगी तो उसका एक डिफरेंट पहलू होता है, वो यानी ऐसा मत सोचे कि वक्फ की हर प्रॉपर्टी का मालिक गवर्नमेंट हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। यानी वो माना ना सोचे पहले, तो मतलब मैं उसको महफूज रखने की बात है, कब्रिस्तान हमारे पास रहेगा तो ये लॉ के लिए लड़ेंगे नहीं, मगर कब्रिस्तान ही महफूज नहीं रहेगा तो क्या करेंगे हम लोग? तो पहली कोशिश अभी हमारी सबसे पहली कोशिश वो है कि हमारे वक्फ जितने भी प्रॉपर्टी है, वक्फ जो भी प्रॉपर्टी, उसको महफूज कैसे रखा जाए, उसको पैसे रिकॉर्ड में, मरना तो मतलब मैं कैसा होगा, ऐसा नासूर चीज होगी तो अमित शाह ले जाए, BJP ले जाए, कोई उसका क्या फर्क पड़ने वाला है जब कौम के काम में ही नहीं आने वाला? तो यानी पहली नियत है कौम के काम के लिए कब्रिस्तान की तरह से इस्तेमाल होना चाहिए, वो पहली हमारी नियत होनी चाहिए। कब्रिस्तान के अंदर चरस, अफीम, गांजा जैसी चीजें मिलती थी और वक्फ बोर्ड को मैसेज मिलने के बावजूद भी वहां पर बिकता रहा, इस पर वक्फ बोर्ड ने क्या कुछ कानूनी कार्रवाई करी? देखो बहुत कुछ है, यहाँ से हम लोग पुलिस में कंप्लेन करते हैं, और मतलब में क्या होता है जब पुलिस पहुंचती है उससे पहले लोग बाइक लेकर अंदर आया होता भाग जाता है, इसी वजह से हम लोग रोक रहे हैं। रिस्ट्रिक्शन रोकने का वजन वही है कि अब सिर्फ दरवाजे सब बंद हो जाएंगे, चार एंट्री रहेगी तो चार एंट्री पे पुलिस खड़ा हो जाएगा और व्हीकल अंदर होगा नहीं, तो उसको कम से कम आने का बाहर आने का रास्ता तो एक ही रहेगा, चार ही रहेगा। तो ये सब चीजों का हमारा मकसद फाइनली यही है कि मतलब मैं कैसा होता है कि हम लोग इश्यू को सोचते, इश्यू का सॉल्यूशन नहीं सोचते, सिर्फ हमारे को क्या होता है मजा आती है इश्यू के बिजनेस सिर्फ बात करने का, और बात करके मतलब मैं रात पड़ जाती फिर गाया कि हम लोग अपने अपने बस बिस्तर में जाके सो जाते, कभी ये नहीं सोचते कि इश्यू को सॉल्यूशन कैसे लाया जाए और बेहतरीन तरीके से काम कैसे किया जाए। यानी हमारी कॉम वही हो गई, हमारी कॉम नहीं सबको यही अभी इंटरेस्ट हो गया है, सिर्फ इश्यू खड़े करो, इश्यू का करो, TRP लो या उसको मतलब मैं इश्यू को सुझो और सोचो कि आज मैंने बहुत अच्छा काम किया और खुश हो जाओ। भाई बहुत अच्छा काम कब अच्छा है? जब उसको रिजल्ट में कन्वर्ट होता है। जब तक ये अपने अफीम चरस दारू बंद नहीं होगा कब्रिस्तान में तो वहां तक का कोई सॉल्यूशन नहीं है, वो सॉल्यूशन को नजर में रखते हुए ही हम लोग लाइन ऑफ एक्शन ले रहे हैं। सॉल्यूशन की बात है तो जितने भी अहमदाबाद में कब्रिस्तान है या औकाफ की जितनी भी जमीन है, जितनी भी है,
ज्यादातर 2002 के दंगों के बाद आकर वहां पर लोग बसे थे, हर जगह पर पूरे गुजरात में तकरीबन ये मामला है। तो ऐसे में जब सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो क्या सरकार से कुछ इस तरीके से डायलॉग्स नहीं किए जा सकते हैं? कब्रिस्तान खाली होने चाहिए, बिल्कुल वहां पर बेहुर्मती हो रही है। मैंने खुद देखा कब्रों के ऊपर शराब के वहां पर ग्लास रखे होते थे, मैं खुद देखकर आया था ये चीजें। लेकिन वो लोग भी हैं तो इसी देश के, उनको आप बेघर तो नहीं कर सकते ना, उनका भी कोई औपचारिक उनका होना चाहिए ना इंतजाम उन लोगों का भी। देखो साहिल भाई, मैंने ऑलरेडी क्लियर कट बात की, अभी कब्रिस्तान के अंदर में 100 लोग ऑफिशियल 1969 में थे, 100 में से 50-45 लोगों को जगह दे दी थी, 55 रहे, तो 55 से बात होना चाहिए कि 655 से बात होना चाहिए। अभी 655 घुस के बैठे हुए हैं और वो 55 के साथ भी बात जब होगी जब वो 10 फुट बाय 10 फुट की बात करेंगे। बाकी आज मैं 10 फुट बाय 10 फुट में घुस जाऊंगा और फिर घुस के 1000 फुट पे कब्जा जमा के बैठूंगा, उस पर बात करूंगा, उससे बात नहीं होगी। वक्फ कमेटी का क्लियर कट एजेंडा है, जो लोग सच्चे हैं उनसे सच्चे तरीके से बात होगा और झूठे तरीके से उनसे बात ही नहीं होगा। सिंपल बात है, यानी वो ये आप ये सोचे उसको एग्जैगरेट करा जाता है, मतलब तकलीफ में है, पर तकलीफ में सिर्फ 55 है और 55 में से भी 15-20-25 तो चले ही गई है क्योंकि उनको साहबे माल हो गए, उनको यहाँ तकलीफ पड़ती थी तो चले गए। यानी वो तकलीफ है, वो लोग वो पिक्चर नहीं बताते कि जेन्यून 30-40-50 है, 500 लोगों का टोला आ जाता है तो क्या 500 लोग जेन्यून है? तो ऐसे लोगों से कैसे बात कर सकते हैं? जेन्यून लोगों डॉक्यूमेंट लेके हर बार उनको किया हुआ है, वक्फ कमेटी में आइए, आपसे बात होगी, आप सच्चा होगा तो आपके साथ बैठ के बात होगी। एक और 40 आए और 42 होंगे, दो जन यहां नहीं आए होंगे तो भी उसके डिसफेवर में जजमेंट नहीं होगा क्योंकि हम लोग हक पे बैठते हैं और हक पे काम करते हैं। जो जिसका पॉलिटिकल कनेक्शन है या जिसको जो बड़ा इंसान है जो अच्छा है उसको फेवर होगी ऐसा कहीं नहीं होगा। जो इंसान हमसे डायलॉग करता है वो नहीं, जो हमारे रिकॉर्ड पे होगा हर एक इंसान से बात होगी और हर एक इंसान से सॉल्यूशन होगा, वो यहां आएगा कि नहीं आएगा। मगर आप बात कर रहे हैं कि जो लोग रिकॉर्ड पर होंगे उनके लिए आप बात करेंगे, नगरी हॉस्पिटल में ये देखा गया था कि जो लोग रिकॉर्ड पर थे जिनके पास में बहुत पुरानी 50 साल पुरानी सारी रिसीप्ट वगैरह सब थी, उसके बावजूद भी म्युनिसिपैलिटी ने उनको हटाया, तो उनके लिए क्या कुछ किया वक्फ कमेटी ने, वक्फ बोर्ड ने? देखो नगरी हॉस्पिटल का अलग से है क्योंकि जो वहाँ टीपी स्कीम रखी गई तो गवर्नमेंट ने वो कब्रिस्तान है वो कॉरपोरेशन को अलॉट कर दिया। वहाँ जो अभी डिस्प्यूट चलता है कॉरपोरेशन और वक्फ कमेटी के बीच में वो ऑनरशिप का डिस्प्यूट चलता है। तो कोर्ट के अंदर जो 2005 के अंदर दावा वक्फ कमेटी ने किया था कि भाई ऑनरशिप हमारी होनी चाहिए, कोर्ट ने फिलहाल एडमिनिस्ट्रेशन हमारा रखा है, टेम्पररी ऑर्डर किया है कि भाई जब तक ये अपील का निर्णय ना हो तब तक वक्फ कमेटी इसका इंतजाम करेगी। और उसने साथ साथ में 2006 में एक ऑर्डर पास हुआ था कि भाई जो भी इलीगल एंक्रोचमेंट है उसको कॉरपोरेशन को अधिकार दिया गया था दूर करने का, उसके लिए ये प्रोसेस हुआ है। लेकिन उसके लिए भी हम लोग आगे लड़ रहे हैं और उसको जो भी है उसके बारे में जो भी हमारा जो कानूनी वकील है, हमारे जितने भी कानूनी लोग है वो इसके अंदर फाइट दे रहे हैं और पिटीशन कोर्ट में पेंडिंग है, तो उसके लिए हम ज्यादा इसके अंदर कुछ हाई कोर्ट में पेंडिंग है। दूसरा इतना भी कहूंगा कि वो लोगों ने अंदर से किसी को नहीं निकाला, कॉर्पोरेशन सिर्फ रोड पे एंक्रोचर में बैठे उनको एक्शन लेती है, कभी भी कब्रिस्तान में अंदर जाके किसी को ऐसा नहीं किया कि आप लोग इलीगल हो, क्योंकि ये ज्यूडिशियरी मैटर है तो वो कॉर्पोरेशन भी वो एक्शन नहीं ले सकती। मगर क्या लोगों को वही कहता हूँ ना कि आधा से ज्यादा झूठ बताया जाता है, वो लोग जब रोड पे बैठते हैं व्हीकल का एंक्रोचमेंट करते हैं तो फिर वो लोग कॉर्पोरेशन एक्शन लेती है ना कि भाई आप रोड को बंद में क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो, आपको जो जगह अंदर जगह दी उस पर काम करो। और फिर भी मैं वही कहूंगा कि वहां पे भी उनकी नियत साफ होती तो उनको जगह जो अलॉट की हुई है वो जगह में ही बैठते, अंदर जगह में क्यों जा रहे थे? ये जो अवैध कब्जा है इसको हटाया नहीं गया इतने सालों तक, सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी और गुजरात वक्फ बोर्ड इन दोनों संस्थाओं के बीच रिश्ता कैसा है कि इतना वक्त हो गया और इस पर कोई काम नहीं हो पाया? अभी माधव साहब ने आपको ये बताया ना कि जो ऑलरेडी हमारी लीगल प्रोसीजर चल रही है वक्फ बोर्ड की तरफ से जो फास्ट एप्लीकेशन अपने एक्ट होना चाहिए वो नहीं हो रहा, मतलब मैं अब वो उसके लिए किसी को गवर्नमेंट अथॉरिटी इनडायरेक्टली, मतलब मैं जैसे ऑटोनोमस बॉडी है गवर्नमेंट अथॉरिटी वर्ड राइट वर्ड नहीं है, मगर उसको हम लोग प्रेशर नहीं कर सकते आप जल्दी करो। यही लोगों को जो सच में जिसको फिक्र है तो 500 का टोला लेके वक्फ बोर्ड पे जाना चाहिए और वक्फ बोर्ड को कहना चाहिए कि आप एक दिन में डिसीजन दो या 15 दिन में डिसीजन दो, खुद तो डिसीजन दो, यानी जिसके सर पर लटकती तलवार है उसको तो पता चलेगा कि सच क्या है झूठ क्या है। यानी वो यानी एक्शन किस तरह से प्रेशर किया जाना चाहिए उसकी जगह उल्टा प्रेशर हमारे पे कर रहे हैं, हमारे पे प्रेशर ये कर रहे हैं, हमारे को मतलब मैं गलत 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 केसों में घसीट रहे, यानी उनकी नियत अलग है कि ये वाली बात है।
हमारे सबकी फाइनली आप सब यहाँ बैठे हो और जो कुछ भी जितने अच्छे लोग हैं समझदार लोगों के सबकी एक ही नियत है कब्रिस्तान कब्रिस्तान रहना चाहिए उसका एहतराम होना चाहिए। सिंपल एक बात है हर एक इंसान को ये चीज में बिलीव करता है। जैसे कि कब्रिस्तान के अंदर जो लोग रह रहे हैं अभी भी ऑफिशियल हमारे पास आंकड़ा कुछ भी नहीं कि अभी फिलहाल में अंदर कितने लोग अभी है, मगर अगर गेट बंद कर दिए जाएंगे तो प्राथमिक सुविधाओं में से तीन सुविधा जो प्राथमिक है बिजली गटर और पानी, गटर की सुविधा उनके पास है नहीं खार को बना के वो लोग रह रहे हैं, बिजली की सुविधा उनको मिल चुकी है ऑलरेडी सबके घर पे मीटर लगे हुए, मगर वो लोग कहीं ना कहीं साइकिलों पे गाड़ियों के ऊपर पानी के 50 लीटर के 40 लीटर के केर में रख रख के लाते हैं और उसके अंदर उनका खुद का गुजारा करते हैं। तो अगर इन फ्यूचर अगर गेट बंद कर दिए जाएंगे तो उन लोगों के ऊपर क्या बीतेगी, क्योंकि कब्रिस्तान तो छोटा है नहीं। मैं आपको भी बोलूंगा किस पे बीतनी चाहिए, आपके घर पे मैं आके जबरदस्ती रह जाऊंगा तो आप चाहोगे कि मैं अच्छी तरह से रहूं? नहीं कहीं नहीं, नहीं, मेरे को आप फैसिलिटी दो, मेरे को खाओगे कि नहीं, आपको भूख लगी है खाना लो, नहीं नहीं आप को तकलीफ पड़ रही है आप ये करो, सोचो तो सही आपकी हमदर्दी किसके लिए है, जिसको खबर थी ये कब्रिस्तान है, जिसको खबर थी कि वक्फ कमेटी ने उनको रहने की जगह नहीं दी है किसी और के साथ जबरदस्ती घुसे हुए, उसके लिए हमदर्दी क्यों रखते हो? सिंपल बात है, नहीं आप जो बोलते मैं वही समझा रहा हूँ। आपने उनको वापस बसाया, देखो वक्फ के रिकॉर्ड में मैंने आपको अभी कह चुका हूँ, आपने जो समझा हो तो उस जमाने का रिकॉर्ड 114 का था एग्जाम्पल, वो रिकॉर्ड में से 45 लोगों को जगह दे दी थी, उसके बाद के लोग रहना चाहिए, आज कितने सब लोग हैं वहाँ पे जाओ तो 15-20-25 लोग तो दिखते नहीं है, उसमें से साहब मान लो जगह बेच के निकल अपने जगह बेच के निकल गए अपने जगह पे निकल गए, ऐसे काफ़ी लोग हैं। हम लोग ने ये 200-250 का जब डेटा दिया जब भी हमने सर्वे किया उसके बाद और दूसरे 100-200 और खड़े हो गए होंगे, तो ये कैसा है कि डेटा आज सर्वे करो कल दूसरे नए नए बनते जाते ये वाली मामला बढ़ते जाता है, तो मतलब मैं इतना ही कहूँगा ये क्या है कि सॉफ्ट कॉर्नर डेफिनेटली इंसानियत के नाते सॉफ्ट कॉर्नर होना चाहिए, मगर वो इंसानियत सामने इंसानियत दिखाता तो सॉफ्ट कॉर्नर होना चाहिए, इंसानियत नहीं दिखा रहा तो कौन से सॉफ्ट कॉर्नर रखने वाली बात आती है। वो कब्रिस्तान में बहुत हालात का मारा है रह रहा है तो कम से कम मेरे पड़ोसी नापाकी करता तो रुकेगा, कब्रिस्तान में नापाकी मत करो ऐसा तो कर नहीं रहा, बेटा नहीं नहीं भाई आओ जगह खाली है आप आओ आपके भाई को लेके आओ आपके भाई के बच्चों को बच्चों को लेके आओ बच्चों को बच्चों में बहस में देते कि भाई मेरी लड़की की शादी हुई तो तुम्हारे को एक जगह मिल जाएगी, ऐसे भी केसेस होते हैं कि कब्रिस्तान की जगह है कि दहेज में देने की जगह है। सर्वे कराया 10 साल पुराने टॉरेंट से ही पता चल जाएगा कि 10 साल पहले कितने हैं 10 साल के बाद वाले कितने, नहीं नहीं काफी यानी सब कुछ चलता है तो उसमें कैसा है, आप टॉरेंट के नंबर देखोगे तो आपको ये भी सोच में नवाई लगेगी, एक कनेक्शन पे 10 लोग रह रहे हैं, ये थोड़ी है कि सबने लाइन का कनेक्शन लिया हुआ है यानी, और इसको सच्चे सोचो तो पता चलेगा। आपकी पानी की बात हुई ना तो हाईकोर्ट के PIL के ऑर्डर से जनरल टैप लगे हुए हैं, उसको बाहर से पानी लाने की जरूरत नहीं रहती, जनरल टैप जो हाँ लेकिन वो जनरल टैप कब्रिस्तान में है जनरल टैप, और उन्होंने भी सुविधा के लिए हाईकोर्ट में पिटीशन की हुई है, तो इस मामले में जो है वहाँ ये लोग लड़ाई लड़ रहे हैं इनकी सुविधा के लिए, लेकिन वो वकफ कमेटी ये नहीं चाहती कि वहाँ बंगला वहाँ फ्लैट बना रहे हो तो फ्लैट मांग रहे वहाँ, तो ये पॉसिबल ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन 10 साल के बाद कब्रिस्तान के लोगों के लिए वो सब करने में झगड़ रहे थे और वो 10 साल के वो गएगा पर उसको क्या करता है, मैं बहुत पुराना हूँ 1969 वाला उसको आगे करूंगा 69 वाला वो तू जाके आगे लड़ना मैं तेरे पीछे पीट के खड़ा हूँ, ऐसा काम चल रहा है। ये हमारे भाई सर्वे करने वाले पूछो उनसे, सर्वे करने जाते ना ये इमरान भाई तो लोग उनको सर्वे करने के लिए इन्फॉर्मेशन भी देते थे और अंदर घुसने भी देते। कब्रिस्तान था, कब्रिस्तान 1969 में भी कब्रिस्तान ही था, कब्रिस्तान आज से पैदा हुआ नहीं है, जिसने वफ किया था उसकी नीयत बहुत क्लियर कट थी कि ये कब्रिस्तान के पर्पज से वफ किया हुआ है, उस दिन भी कब्रिस्तान था, वो भी मैंने आपको अभी जो पहले ही बताया कि कब्रिस्तान है और ता कायम तक कब्रिस्तान रहेगा, कब्रिस्तान में कोई भी इंसान कोई जात की भी बिल्डिंग नहीं बना पाएगा, ये भी लोग गलतफहमी में लोगों को मैसेज देने की कोशिश करते हैं कि कब्रिस्तान में कहीं बिल्डिंग बनने की वाली बात होती है, अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी कभी भी कब्रिस्तान में किसी को बिल्डिंग बनने की इजाजत नहीं देगी। पॉइंट नंबर एक, किसी को लगता है कि यहाँ किसी आदमी की ये जगह पे गलत नियत है तो मैं इतना बोलूंगा कि कल से वहीं से कब्र से अपने कब्र बनाने का चाल करें दफन वफन करने का चालू करें तो उसकी जो नियत है उसकी नियत टूट जाएगी, यही कोशिश करने वाली बात है, खोटी खोटी गलत बातें ना करें, बहुत क्लियर कट एजेंडा है, जहां लगता है किसी को ये जगह आइडेंटिफाई हो रही है और ये जगह पे कब्रिस्तान नहीं लोग की नियत खराब है वहीं से कल से कब्र मैयत दफनाने का स्थान करें, क्योंकि अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम कभी रिस्ट्रिक्ट नहीं करती कि मैयत यहाँ दफनाई जाए, कब्रिस्तान पूरा कब्रिस्तान है, किसी को भी इंसान कभी भी कहाँ जाए वो मैयत दफना सकता है, तो जिसको भी लगता है कि ये जगह कभी किसी की नीयत खराब है
उस जगह पे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ वो ऐसे इंसान को मतलब मैं अपने मुहिम करने चाहिए कि वहीं से कब्रिस्तान की अपने मक्फन करने की कल से अभी आज से ही शुरू कर देना चाहिए। तो जिससे मतलब लोगों की नीयत आप जिस तरह से लगाओ कि लोगों की शायद नीयत गलत हो, नीयत सक्सेसफुल नहीं हो सके। और ये मैं आपको जो बोलता हूँ उसके अलावा अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी जो लोग सिर्फ 10 फुट बाद 10 फुट का मकान बनाते हैं उसको रोकती है, तो आप यूँ सोचते हो कि कोई मतलब मैं गलत बिल्डिंगें बनाएगा तो उसको वक्फ कमेटी छोड़ देगी। उसी दिन पुलिस स्टेशन में एक बंदे ने हमारे को यूँ बोला कि मैं आपको मकान के प्लान पास करवा देता हूँ, आप ये रहने वाले कब्रिस्तान वाले को रहने वाले को मकान के यहाँ दे दीजिए। मैंने कहा आप गलत बोल रहे हो, कब्रिस्तान के अंदर GDCR बोलते हैं, गवर्नमेंट का लॉ है, लॉ के तहत कब्रिस्तान के अंदर एक बिल्डिंग बनने की इजाजत नहीं मिल सकती। तो जो इंसान को गलत फहमियाँ लोग बताती वो कॉन्फिडेंटली बोलता है मैं डोनेशन ला के दूंगा, मैं यहाँ बिल्डिंग बनाऊंगा और कब्रिस्तान में रहने वाले को मकान दो। मैंने कहा वो बात हम लोग तकसीम करते नहीं, वो बात पे कभी हम मानेंगे नहीं और गवर्नमेंट भी नहीं मान सकती। आप गलत इलीगल काम कैसे कर सकते हो, इलीगल काम में हम साथ नहीं दे सकते। उसको फिर बहुत मगजमारी करता है, उसको मैं बोलता था एक काम करो प्लान पास करके लेके आओ फिर हमारे साथ बात करो। जो गलत बात है समझने की कोशिश नहीं करते हैं, मतलब नादान है, उसको क्या समझाएंगे हम लोग। मगर हम लोग इतना क्लियर कट आप लोगों के समझने की जरूरत है, कब्रिस्तान में कभी भी कोई बिल्डिंग बन नहीं सकती, उसकी इजाजत गवर्नमेंट दे नहीं सकता और इलीगल काम की इजाजत सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी नहीं दे सकती। सर एक और सवाल है, जैसे कि कब्रिस्तान के अंदर जो बानगाम है, गैरकायदा से जो बानगाम है वो चीज तो एक साइड है, कुछ ऐसे फिरके भी हैं जो दरगाहें बनाए गए उस दरगाहों के अंदर फिर कव्वाली के प्रोग्राम करते हैं शहर खामोश के अंदर, तो उस चीज के ऊपर आज दिन तक वक्फ कमेटी ने कभी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। और दूसरा सवाल ये है कि कब्रिस्तान के अंदर जो बानगाम का मटेरियल अंदर एंटर हो रहा है और बानगाम हो रहा है तो उस टाइम पे वक्फ कमेटी क्या कर रही थी? इसीलिए ये गलत बानगाम ना हो, इसीलिए डोर पे रिस्ट्रिक्शन करना है कि एक भी व्हीकल अंदर एंटर ना हो। आपने जो बोला वो इसी का एक पार्ट ऑफ द एक्शन है। बिल्कुल आपकी बात सही है कि मतलब मैं उसमें मतलब मैं क्यों होगा, अंदर मटेरियल ज्यादा तो गलत कंस्ट्रक्शन काम हो जाएगा, होता है ना। ये सब नियत सोच के ही वक्फ कमेटी ने डिसीजन लिया हुआ है कि किसी को एक व्हीकल अलाउड नहीं करना है। पैदल कब्रिस्तान में मस्जिद है, 2 मस्जिदें हैं और कब्रिस्तान में मतलब मैं अपने हर इंसान जाता है कि भाई ज्यारत करने के लिए फातिहा दुरूद करने के लिए जाना चाहता है वो पैदल जा सकता है, उसके लिए कोई व्हीकल लेके उसके अपने किसी अम्मा बाबा की खबर के लिए मतलब बाइक लेके जाने की जरूरत नहीं है। अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी का क्लियर कट एजेंडा है, आप जो बोल रहे हैं वो बात को आगे करते हुए अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी ये क्लियर कट मानती है कब्रिस्तान में व्हीकल नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, आज नहीं तो कल। हम लोग हर एक इंसान को कॉन्फिडेंस में ये चीज़ें इंप्लीमेंट करेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह जितने लोगों से बात की हर एक का यही कहना है कि आपकी बात ये सच है, अच्छी बात है। आप जो कह रहे हैं कि इंप्लीमेंट करेंगे लेकिन अल्ताफ पासी नाम का एक गुंडा उसके लोग कब्रिस्तान के अंदर घुस जाते हैं, पिछले कई महीनों से लगातार ये खबरें आई अखबारों में सोशल मीडिया पर नाम के साथ आया कि घुसकर उसने लोगों के साथ में मारपीट की उसके गुंडों ने अल्ताफ पासी और सब ने, तो क्या वक्फ कमेटी की या वक्फ बोर्ड की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती थी इसमें? अब देखो प्रैक्टिकली मैं क्या बोलूँ कि लॉ एंड ऑर्डर पर्सनल लेवल पे जो जिम्मेदारी बनती है पुलिस की बनती है, वक्फ कमेटी सिर्फ इतना काम कर सकती है, हमारे पास इतने पावर नहीं है कि हम किसी को जाके रोक सकते हैं। और अल्लाह माफ करे अभी मैं जाके रोक रहा होता तो मेरे पे तो मेरे को बोलते कि आप उनके तरफ से लड़ रहे हो, अभी किसी ने FIR करी मेरे नाम से कि मैंने उसको पाइप मारी है, कितना झूठ लोग बोल रहे हैं। अब आप बोलते ऐसी चीज़ों में हम लोग एक्टिव पार्टिसिपेट करने जाओ तो ऊपर से बदनाम हो जाएंगे और लोग उसका गलत फायदा उठाएंगे, तो ऐसा काम हम लोग नहीं कर सकते। आप जो सोचते हो कि एक्टिवली हम लोग पार्टिसिपेट करें, हम लोग ने बहुत क्लियर कट एजेंडा बनाया हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करे अगर जो कुछ भी काम होता होगा वो काम करेंगे और लॉ एंड को डिस्टर्ब करते हुए जो काम हमारे को सपोर्ट करने जाता है उसका सपोर्ट लेंगे, मगर लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब होगा वैसा कोई भी काम कभी हम लोग को तस्लीम नहीं करेंगे। जैसे कि अभी जो बसाने वाले जो लोग थे वक्फ कमेटी के जो भी प्रताड़ित थे उनको लाके कब्रिस्तान में बसाया गया उस वक्त के लिए, आपकी नजरों में वो लोग गलत थे जो बसाने वाले थे वो लोग गलत थे, जो खाली करवाने वाले हैं वो लोग गलत है? देखो एक चीज समझ लो, शरीयत के हिसाब से जो होता है इस्लाम में वो चीज़ ज़्यादा होगी। कब्रिस्तान में किसी ने अच्छी नीयत से 69 में घर रहने के लिए मकान दिए, उसमें नीयत का सर मैं आपको बोलता हूँ अच्छी नीयत से, नीयत का उसमें सवाल ही नहीं, कब्रिस्तान हराम है, अंदर रहना हराम ही है, तो उसमें नीयत का तो कोई लेना देना ही नहीं। उस टाइम पे वो लोग ने क्या नीयत सोची, शेल्टर की तरह कि भाई हालात के मारे लोगों को रखने के रहने के लिए जगह दे, मगर आज 55 साल में उसका हालत क्या हो चुकी है। अच्छी नीयत से किसी को हेल्प करने की कोशिश की उस जमाने में उस ट्रस्टियों ने, नीयत नहीं देखी जाती ना क्योंकि बात मजहब की थी उसने। आपकी बात सच है, वही तकलीफ वो आती है ना, अच्छा ही करो तो भी लोग गाली बोलेंगे। मैं हंसते हंसते मैं बहुत लोगों को कहता हूँ, एक फिल्म में कादर खान का बहुत अच्छा डायलॉग है क्या कि मतलब डबल स्टैंडर्ड कि पॉलिटिशियन टाइम पे जल्दी पहुंचता है हेलीकॉप्टर में, तो बोलता था हेलीकॉप्टर में चला गया गवा पैसे गवा आवाम का बिगाड़ रहा है, और बोलता है कि हेलीकॉप्टर पहन के नहीं जाता ट्रेन में जा रहा है, तो बोल रहा है कि नहीं देखो कितना इतने लोग तकलीफ में आएंगी उसको मतलब मैं उस टाइम पर जल्दी जाना चाहिए। कौम आज ऐसी हो चुकी है, इधर भी करो तो भी गाली मिलेगी, उधर भी करो तो गाली मिलेगी, तो क्या काम करने का।
तो इसके लिए सलाहियत के तरीके से, प्रैक्टिकल तरीके से कितनी चीजें का रिजल्ट किया जाता है और उस पर इंप्लीमेंट किया जाता है। आज के हालात में पास्ट क्या हुआ था उसको एनालिसिस करने से, पोस्टमार्टम करने से कोई कुछ रिजल्ट होने वाला, आज के हालात में क्या बेस कर सकते हैं और कौन कर सकता है उस पर गौर किया करने की बात करें। पास्ट पे पोस्टम कर, पास्ट को हम चेंज कर सकते हैं, भूतकाल को हम चेंज नहीं कर सकते, तो उसमें क्या को बात करने की जरूरत है, उसको बात करने का कोई टाइम वेस्ट है, उसका कोई मतलब नहीं है। मतलब क्या है, आज हम क्या कर सकते हैं उस पर गौर करना चाहिए, उस पर काम करना चाहिए। ठीक है, शुक्रिया आप लोगों का, आपने इतना वक्त निकाला आप लोगों का भी। ये बात सच्चाई की बात लोगों से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे वो भी एक ज़रूरी है, और सच जानना हम सबकी फ़र्ज है, और सच फैलाना भी हमारी सबकी फ़र्ज है, झूठ फैलने की जगह पे। हाय नमस्कार, मैं हूँ अली असगर और आप देख रहे हैं SR न्यूज़ गुजरात। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करो।